कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पंचायत भवन में मनाया गया। इस मौके पर उपायुक्त डॉक्टर SS फुलिया, पुलिस कप्तान आस्था मोदी व अन्य अधिकारी पहुंचे। कुरुक्षेत्र की जनता ने अपनी अपनी बातें रखी, वहीं कुछ लोगों ने धर्मनगरी में बिक रहे नशे के बारे में बताया। आस्था मोदी ने बताया कि पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, वहीं नशे के आदि लोगों को कैंपों के माध्यम से समझाया जाएगा। SP के सामने कुरुक्षेत्र वासियों ने अपनी भड़ास निकाली। महिला सरोज ने कहा कि लायलपुर बस्ती में शरियाम नशा बिक रहा है, जो शिकायत करता है उनको लोगों को मारने की धमकी दी जाती है। इसके अलावा एक व्यक्ति ने नशे बेचने पर पुलिस की शह बताई। कहीं ना कहीं पुलिस को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है, यहाँ की जनता ने भी एक होकर नशाखोरी के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए, तभी धर्म नगरी से नशा बंद हो सकेगा। जब इस बारे में SP से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी पुलिस दिन रात नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं नशे के खिलाफ नार्कोटिक सेल बनाया गया है, किसी भी शिकायत के लिए मेरे नंबर या मेल पर शिकायत की जा सकती है। शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी और हम कानून के तहत ही कार्यवाही कर सकते हैं। उसकी सारी तो सड़कें फटी हुई हैं 2 साल से, और उसमें खूब शराब नशा बटा खूब चलता है। पुलिस वाले भी जाते हैं, छाती पीटते हैं, जैसे मामा बुआ फूफी के लड़के मिलकर आते हैं, कई साल बाद मिले, ऐसा है। हम तो पीते नहीं ना, हमें दर्द है ना, हमारी सेल कम हो रही ना बढ़ रही, ना हमें नुकसान ना फायदा ना वो हमें कुछ कहते। तुम पुलिस बिकवाती है नशा? जब पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती तो कौन बिकवाती है यार, ये बता दो आप। अगर जिसकी ड्यूटी है कंट्रोल करने की, वह एक शहर में ही नहीं कंट्रोल करते, DC के घर से 300 मीटर दूर नहीं है, जो 4 स्थानों पर शराब बिकती है। अगर वो 400-300 मीटर की दूरी पे निबंध करा सकती, गांव में बंद करा दे। और क्या बिकता है शराब के अलावा? और कुछ मैंने नहीं पता, मैं तो शराब देखी है, 12 बजे तक लड़के यूं भी आ रही है, खड़े रहते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं। बहु बेटियां हमारी वहां से गुजरती है, मैंने कहा था जो शराब बेच के हो जाना नहीं, बोली ना ना कुछ नहीं होता, क्या हो गया क्या हो गया। जब आप आवाज उठाते तो आपके लड़ते झगड़ते भी हो? लड़ते झगड़ते नहीं, खत्म कर देंगे। अच्छा, हाँ। तो आज आप आए थे, कुछ लगा आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं, आश्वासन तो जब हो जाएगा बंद जब पता लगेगा आश्वासन का, तो आश्वासन का फिर ये तो हम लोग बंदा कर सकते हैं। मैंने नहीं पता मेरा बच्चा क्या पीता है, क्या खाता है, क्या काम करता है। सामाजिक बुराई को पेरेंट्स दूर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्यों भाई? जब आप पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, बुलाते हैं? मैंने SP साहब को करी थी, पहले जो SP थे, कुछ सारा नहीं लगे। लाल भाई तुम्हारी गाड़ी गई थी और वापस आ गई थी, कहते जी वहां तो कुछ नहीं। और वहां सामने भी थानेदार का घर है, वो बेचारा रिटायर है, उसने अपने घर के सामने से दूसरी तरफ करा दिया गेट, अब उस गेट से बिजली बंद करके दूसरे गेट। मतलब मिली भगत है कहीं ना कहीं यार, सारी मिली भगत है, इसमें क्या है? मेरे को तो मिलता नहीं कुछ, ना हमने चाहिए, ना हम पीते, ना हमें नुकसान। थाने में भी कंप्लेंटें करी हैं, 8-10 बार लेडीज भी इकट्ठी होके गई हैं, 40-50 लेडीज, और पेपर में भी कई बार न्यूज आई है। और नशे के खिलाफ हम सब लेडीज जागरूक हुई हैं, और वो बेचारी मेहनत करती हैं, हर रोज झाड़ी पे जाती हैं, जीरी लगाती हैं, पौधे लगाती हैं, कुछ मर्जी करती हैं, जो जेंस करते हैं 500 या 800 या 1000 कमाते हैं। शिकायत क्या है आपकी? सट्ठा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं वहाँ पे। कौन खेलते हैं वहाँ? मोहन नगर राज्य। शिकायत क्या है आपकी? शराब के लिए। कौन खेलते हैं, कौन सट्टा खेलते हैं, कौन शराब पीते हैं? शराब जो वहाँ पे है राजपूत कॉलोनी में, लड़के और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी नशा कर रहे हैं उसमें। तो उसके बारे में काफी बार शिकायत कर चुकी हूँ, काफी बार शिकायत, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। स्टाफ वाले आए हैं और वो शराब इधर उधर कर देते हैं। आप अभी SP साहिबा से मिले थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा भी आगे कार्रवाई करेंगे। तो आप जो SP साहिबा कह रहे थे कि उन्होंने आपकी कंप्लेंट के ऊपर वहाँ पर छापामारी भी की है, लेकिन शराब नहीं मिल पाई, क्या कारण रहा, क्यों नहीं मिली? बस ये जो थाने वाले होते हैं ना, पहले फ़ोन कर देते हैं वहाँ पे, और ये बोलते हैं हम वहाँ पे पैसे देते हैं 5,000 या 20,000 देते हैं, हमें तो पहले ही पता लग जाता है। जो कौन बोलता है? जो अपना कालू हो गया और जगदीश हो गया, शन्नी हो गया, जो नशे के व्यापारी हैं। हाँ जी, जो नशे के व्यापारी हैं, और ये लोगों ने पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर रखा है। और कभी कहते हैं इनके जो आगे लेडीज हैं, इनके पेट में चूरा को सोड़ देंगे, इनके बच्चों को उठा के ले जाएंगे, और इनको अपनी जान प्यारी नहीं है। और हम काफ़ी टाइम से इसके पीछे, ये नशा बहुत पुराना चल रहा है इस मोहल्ले में, कम से कम आधे से ज़्यादा लेडीज विधवा हो चुकी हैं। और जो कोई डेथ होती है तो यहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं होता, बाहर से हमारे रिश्तेदार आते हैं, उसको कंधा देते हैं। आपका परिचय? मैं सरोज, वार्ड नंबर 8 से, मोहन नगर। आपके पास कोई नशा? विश्व का अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है जो 26 जून को रखा गया है, तो जो
ऐसा एक दिवस जो पूरे विश्व पे समझा जा रहा है, एक दिन उसके लिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जब डेडिकेट हो रहा है, उसे ये जो प्रॉब्लम है, इसकी सीरियसनेस जो है, जो हमारे देश को, समाज को जो ये प्ले कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम, इसकी सीरियसनेस ये दर्शाता है। और मेरा अनुरोध है, हम लोग जो जिला प्रशासन है, भारत सरकार है, हम जिला पुलिस हैं, हम लोग सदैव इसी चीज़ के लिए कार्यरत हैं कि हम अपने शहर को, डिस्ट्रिक्ट को हम बिल्कुल नशा मुक्त बना सकें। और उसी प्रोसीजर में हमने ये आज की ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करी है। हमने आइडेंटिफाई करे हैं कुछ गांव हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं इस समस्या से, और वहाँ पे आज शाम को भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। DSP साहिबान जाएंगे वहाँ पे, जो पंचायत है उनके साथ, और जो ऐसे कुछ अगर वहाँ पे बच्चे हैं जो पहले नशा करते थे अब छोड़ चुके हैं, उनको हम बुलाएंगे ताकि वो बाकी जो पूरी गांव है उनको प्रेरित कर सकें और वो लोग इस नशे की लत से उभर सकें। कुछ पीड़ितों ने आज आरोप लगाया आपकी सभा में कि पुलिस की मौजूदगी में नशा बिकता है, पुलिस जब आती है तो नशा तस्कर गायब हो जाते हैं जादू की तरह। जी, ऐसी बात है कि हमने काफ़ी इसके लिए मुहिम चलाई है। पुलिस को देख के चोर तो भागेगा ही, और ये सबसे बड़ी जो एविडेंस है कि पुलिस के साथ उनकी कोई भी मिली भगत नहीं है। ये जो कंप्लेनेंट्स हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगी कि मेरा ऑफिस जो है, मैं अपने ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक बैठती हूँ, लंच भी मैं ऑफिस में ही करती हूँ, पूरा दिन मैं अवेलेबल रहती हूँ। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति आके मुझे इन्फॉर्मेशन देता है, उस पर हम रेड भेजते हैं, इमीडिएटली रेड भेजी जाती है सेम डे के अंदर। और अगर उनको स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन की पुलिस पे विश्वास नहीं है, जबकि मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारा पुलिस का, कुरुक्षेत्र पुलिस का कोई भी व्यक्ति नशे के जो बिक्री है, जो नशे का जो कारोबार है उससे नहीं जुड़ा हुआ, फिर भी अगर उस जो कंप्लेनेंट है उसकी संतुष्टि के लिए मैं CIA की टीम या DSP साहिब के अंडर टीम बना के हम लोग भेजते हैं जो इमीडिएटली रेड करती है। अगर वहाँ से रिकवरी होती है शराब की, जैसे वो एक लेडी शराब की बिक्री के बारे में बात करती हैं, अगर आप सिटी थाने में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बार वहाँ पे रेड करी गई है, और जब भी वहाँ से शराब मिली है वहाँ पे हमने कलंदरे दिए हैं। और ये एक नहीं, दो नहीं, ये जितनी भी बार मेरे पास आई हैं, और उसके अलावा भी CIA वालों ने भी एंटी नार्कोटिक सेल अब बना दिया है, वो भी रेड करेंगे। जो कोम्बिंग होती है, हमने जो कोम्बिंग का शेड्यूल बनाया उसमें भी उनका जो एरिया है हमने पहले लिया, क्योंकि वहाँ से हमें बार बार कंप्लेंट आ रही थी। तो पुलिस पूरी अपनी मेहनत कर रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि वहाँ पे जो बिक्री है वो बंद हो सके। ये कंप्लेंट आती है कि साथ ही साथ वो छूट जाते हैं, पर ये तो जो लीगल फ्रेमवर्क है उसी के हिसाब से होगा। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो हम ज़बरदस्ती उसे अंदर बंद नहीं रख सकते। कानून के हम रखवाले हैं, हम खुद ही कानून के जो फ्रेमवर्क है उसे तोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। बेल जो है वो किसी भी व्यक्ति की राइट है, तो हर किस्म के जो अपराध होते हैं उसमें बेल दी जाती है, तो हम बेल को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं। लीगल जो फ्रेमवर्क है, जो अपराधी है उसके भी कुछ लीगल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी भी उल्लंघना नहीं की जा सकती। पर लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए जितना भी हमारे क्षमता है, हम क्षमता के बियॉन्ड जाके नशे के जो कारोबार है उस पर हमने मुहिम भी चलाई हुई है, और हम इसको खत्म करने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ में कल बैठक लिए, चार पांच राज्यों के DGP खुद आए नशे को बंद करने के लिए, तो कुछ आप पहल कर रहे हैं कि कोई व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाए, लोग नशे के प्रति आपको कंप्लेंट दे, या कुछ ऐसी पहल? मेरा खुद का नंबर है जो ओपन है, और इस पे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती भी है। जो मेरा सरकारी नंबर है उस पे व्हाट्सएप चलता है, उस पे कई बार लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी है। जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं वो किसी भी प्रकार के क्राइम की क्यों ना हो, नशे की हो या किसी भी प्रकार का क्राइम, चोरी या वैश्यावृत्ति या जो भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उस पर हम एक्शन लेते हैं। इसके साथ साथ मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पर फ़ोन भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं हफ्ते में 5 या 6 दिन अपने ऑफिस में अवेलेबल रहती हूँ, किसी भी समय आप आके मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपकी जो वो है आइडेंटिटी है उसे गुप्त रखा जाता है, जो जिस टीम को मैं भेजती हूँ उसको भी आपकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती। जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी जाती है वही इन्फॉर्मेशन मैं आगे टीम को देती हूँ। एग्जैक्ट जो अगर व्यक्ति संकोच जाहिर करता है, हेसिटेशन जाहिर करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं आने दिया देना चाहता, तो उसका फोन नंबर तक टीम को नहीं दिया जाता। मगर मैडम, तो उनको थ्रेटिंग वगैरह तो दी जाती है, धमकी दी जाती है, जैसे लेडीज ने आरोप लगाया, अगर वो कंप्लेंट करती है तो बार बार कहती है मुझे मारने की धमकी दी जाती है, उसके परिवार को धमकी दी जा रही है कि अब नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। जी, अगर इस प्रकार की है उनको कोई कंप्लेंट तो वो हमें कंप्लेंट दे, हम एक्शन नहीं लेंगे, उस पर भी हम एक्शन लेंगे। अगर उसको कंप्लेंट पहले ही दे चुके हैं, SHO से मिल चुके हैं, आपसे भी मिलने के लिए आए थे, वो जो उन्होंने कंप्लेंट दी है वो मेरे पास इस समय रखी भी है, वो कंप्लेंट
बिक्री के बारे में है, जान से मारने की धमकी के बारे में उन्होंने कंप्लेंट नहीं दी है। अगर वो कंप्लेंट देंगे तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।